हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है उत्तराखंड जुडिशरी के मेंस के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लें तो कनेक्टिविटी बन जाएगी। फिर जो ये सेकंड वीडियो है, ये है लॉ के सेकंड पेपर के रिगार्डिंग, जो कि एविडेंस एंड प्रोसीजर के रिगार्डिंग है। तो हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हम इसमें क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे, अनसोल्व क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस सोल्व क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो मैं प्रिपेयर करूँगा, वो बाद में आएगी। तो तब तक आप पहले ये अनसोल्व क्वेश्चंस देख लें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन के ऊपर आपको एक ड्राफ्ट अपलेंट फॉर दी नल्टी ऑफ मैरिज अगेंस्ट दी मनीषा एंड हर पेरेंट्स इन रिप्लाई टू दी अबव अपलेंट ड्राफ्ट आर रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट्स मनीषा एंड हर पेरेंट्स। तो इसके ऊपर इस जो ये दी हुई है सिचुएशन, इसके ऊपर आपको एक प्लेंट ड्राफ्ट करना है और रिटन स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट करनी है। तो देख लेते हैं हम ये सिचुएशन क्या दी हुई है। सिचुएशन है ऑन जून 10, 2012 हरीश इज मैरिड टू दी मनीषा। मैरिज इज सोलमनाइज्ड एट लाल कुर्ती मेरठ रेजिडेंस ऑफ मनीषा। ऑन 11th of June 2012 मनीषा विद हरीश केम टू हरिद्वार एट द हरीश रेजिडेंस। ऑन July 3, 2012 मनीषा फेल्ट अनइजीनेस हरीश विद हिज वाइफ मनीषा वेंट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार वेयर द लेडी डॉक्टर समीथा आफ्टर चेकिंग मनीषा कॉन्ग्रेचुलेटेड हरीश फॉर 2 months प्रेगनेंसी ऑफ मनीषा। हरीश वॉज सरप्राइज हियरिंग 2 months प्रेगनेंसी टू मनीषा। ऑन 16th of July 2012 हरीश कंसल्टिंग हिज एडवोकेट आस्क हिम टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मनीषा एंड हर पेरेंट्स फॉर नल्टी ऑफ मैरिज एज दे हैव कमिटेड अ फ्रॉड इन मैरिज एज मनीषा वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट बिफोर मैरिज बाई सम पर्सन। नाउ यू हैव टू ड्राफ्ट अ प्लेंट फॉर नल्टी ऑफ मैरिज अगेंस्ट मनीषा एंड हर पेरेंट्स इन रिप्लाई टू दी अबव प्लेंट ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट्स मनीषा एंड हर पेरेंट्स। और या फिर ऑप्शन दिया हुआ है, आप दूसरा भी कर सकते हैं इसमें से। दूसरा क्वेश्चन ये दूसरे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल ऑफ 18 ईयर्स नेहा इज अ स्टूडेंट ऑफ द 12th class इन DAV इंटर कॉलेज इलाहाबाद। सम स्टूडेंट्स जनरली यूज टू टीच गर्ल ऑन वन डे सम गर्ल्स इंक्लूडिंग नेहा वेंट टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डॉक्टर हरदेव टू मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल कॉल्ड दो स्टूडेंट्स इन हिज ऑफिस एंड heard them. The principal warning them strictly said if any such complaint is received in future they will be expelled from the college. After 4 days, that is the 25th of August 2013, when Neha was returning from her college library, 2 students of her class stopped her. One of them put his hand on Neha's shoulder and the other kissed her. Both of them threatened or that if she made any complaint of this they will deface her by acid. On the basis of above fact prepare a case and give decision. तो आपके पास चॉइस है, आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन के 3 parts है ABC। तो देख लेते हैं इनको। ए पार्ट है कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज बार्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट इंटरप्रेट द नेचर ऑफ सिविल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल ए फॉर द पोजेशन ऑफ द लैंड फाइल अ सूट अगेंस्ट बी द सूट इज डिक्रीड इन द suit B did not claim that he was entitled for the compensations for improvements made on the land
कैन बी फाइल अ फ्रेश सूट फॉर कंपनसेशन, गिव आंसर विद रीजन। सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, हाउ अ समन इज सर्व्ड टू द प्रिजनर इन जेल अंडर ऑर्डर 5 रूल 24 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट में ऑर्डर द पार्टीज टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट बी, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट, डिस्कस ऑल्सो द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट। क्वेश्चन 3, पार्ट सी, डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच अ प्लेंट इज रिटर्न्ड और रिजेक्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सूट फॉर एंड अगेंस्ट एन अनसाउंड पर्सन एज लेड डाउन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। पॉइंट आउट द कंडीशन विच कैन बी इम्पोज्ड ऑन नेक्स्ट फ्रेंड एंड डिफेंडेंट एड लिटियम। क्वेश्चन नंबर 4, बी पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरपोलेटर सूट, व्हेन एंड हु कैन फाइल इंटरपोलेटर सूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट सी, हु व्हाट इज कैविएट, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू कैविएट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट, डिफाइन प्लीडिंग, अंडरलाइन इट्स ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस एंड बेसिक रूल। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट बी, हु कैन मेक द रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 ऑफ द सीपीसी एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सच रेफरेंस। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। डिस्चार्ज एंड एक्विटल, समन्स केस एंड वारंट केस, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर बी पार्ट है एक्सप्लेन विच कोर्ट कैन ट्राई द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसका सी पार्ट है व्हेन मे अ कोर्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एब्सकॉन्डेड पर्सन एक्सप्लेन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देख लेते हैं, डिस्कस द सर्कमस्टांसिस इन विच कोर्ट मे रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑन द फॉलोइंग, फॉर कीपिंग पीस, फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। सेक्शन 7 बी पार्ट, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू प्रोनाउंसमेंट ऑफ एब्सकॉन्डेड पर्सन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है वो है एग्जामिन द इरेगुलरिटीज विच वीटेट एंड विच डू नॉट वीटेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, वट एवर रेलिवेंट इज नॉट नेसेसरली एडमिसेबल बट ऑल वट एवर एडमिसेबल इज रेलिवेंट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट, फैक्ट्स विच आर नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड इन द सेम टाइम एंड प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट, एक्सप्लेन द फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, ए इज बीइंग ट्राइड फॉर राइटिंग एन ऑब्सीन लेटर, एक्सप्लेन वेदर द ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग विटनेस इज एडमिसेबल इन द केस। इसका फर्स्ट पार्ट है ए इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ ए, ओपिनियन ऑफ बी दैट लेटर इज नॉट इज एज हाई हैंडराइटिंग। फिर इसके बाद इसका बी सेकेंड पार्ट है, बी नोज ए फॉर लास्ट 10 years, बीज ओपिनियन दैट ए कैन नेवर राइट सच लेटर। फिर उसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट इन लॉ ऑफ एविडेंस ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज
बी डायरेक्ट इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल क्लैरिफाई इट. क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हियरसे एविडेंस. व्हाई हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल. व्हेन कैन हियरसे एविडेंस इज एडमिसेबल. फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है. व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस. व्हेन कैन दे बी आस्क्ड एंड व्हेन कैन नॉट बी आस्क्ड. एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट. ए इज बीइंग ट्राइड इन अ पर्टिकुलर केस. बी हैज़ बीन कॉल्ड एज विटनेस टू आंसर रेलिवेंट क्वेश्चंस. कैन बी आफ्टर टेकिंग ओथ डिनाई टू आंसर रेलिवेंट क्वेश्चंस. फिर 10th क्वेश्चन का सी पार्ट है. ए इज वाइफ ऑफ बी. बिफोर मैरिज बी सेड अबाउट सम फैक्ट्स टू ए. कैन ए बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज दोज फैक्ट्स आफ्टर मैरिज. गिव रीजंस. तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड जुडिशरी के 2014 के मेंस का सेकंड पेपर था. अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आपको कुछ डाउट है और आप किसी और टाइप की वीडियोस चाहते हैं या फिर वीडियोस में कोई चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर भी आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट तभी की तभी मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.